स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक, जैसे कि हम देखते हैं कि टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जिससे हम कहते हैं कि उसमें हमारे पास टाइम जो है उनके अगर यूनिट्स देखे जाएं तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिस तरह के हम ईयर्स में उसे मेजर कर सकते हैं, मंथ्स में, ठीक है, और फिर मंथ्स में, या फिर हम लोग सेकेंड्स में और फिर मिनट्स में भी, ठीक है। इस तरह डिफरेंट हमारे पास यूनिट्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो टाइम को मेजर करते हैं। अब अगर हम देखें तो इन डिफरेंट यूनिट्स के लिहाज से डिफरेंट डिवाइसेस भी बनाई गई हैं, जिसमें हमारे पास एक डिवाइस जो कि टाइम मेजर करने के लिए काम आती है वो है हमारे पास पेंडुलम क्लॉक। अब आपको मैं एक फिगर दिखाती हूँ जिसमें एक पेंडुलम क्लॉक जो है वो शो की गई है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि हमारे पास यूजली जो पेंडुलम क्लॉक जो नज़र आती है वो किस तरह से होती है। ये हमारे पास पेंडुलम क्लॉक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक पेंडुलम है। अब पेंडुलम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए तो वो इस तरह से है कि हम लोग पेंडुलम किस तरह से बना सकते हैं कि अगर मैं एक रिजिड सपोर्ट के जरिए, यानी कि एक ऐसी सपोर्ट जो कि मूवेबल ना हो, उसके जरिए मैं एक स्ट्रिंग अटैच करूं उसके साथ, और फिर उसके नीचे एक बॉब लगा दूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉब मतलब कि बॉल की तरह की हमारे पास एक चीज़ है, ठीक है, वो मैंने अटैच कर दी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, इस रस्सी के साथ, और अगर इसको मैं एक फोर्स के जरिए इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करती हूँ, यानी कि ये इसकी मेन पोजीशन है जिस पे वो स्टैंड स्टिल स्टैंड की पोजीशन में है, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करती हूँ तो ये क्या करना शुरू हो जाएगा, ऑसिलेशंस करना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल पेंडुलम है स्टूडेंट्स। और अगर हम देखें तो इसी पेंडुलम के जरिए हमने एक क्लॉक डिज़ाइन की है, जिसके नीचे ये वाला पेंडुलम हम लगा देते हैं, ठीक है, और इसकी जो मतलब कि इसके जो पीरियड्स के लिहाज से हम इस क्लॉक की जो है वो सेटिंग करते हैं, कि जिसके जरिए हम इस मतलब कि पेंडुलम क्लॉक के जरिए जो है हम टाइम मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में भी कर सकते हैं, और हमारे पास हम इसे आवर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे पास सेकंड्स में भी टाइम जो है वो मेजर किया जा सकता है, ठीक है, और बहुत एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है पेंडुलम क्लॉक के जरिए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेंडुलम क्लॉक है इसमें इसकी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे थोड़ी सी बात कर ली जाए तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास एक क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पेंडुलम से लिया गया है, तो हमारे पास जो पेंडुलम के अंदर जो है हम मतलब एक स्ट्रिंग है और उसके साथ मैंने एक बॉब अटैच किया है, ये तो हमारे पास सिंपल पेंडुलम का केस है। अब अगर मैं कोई कुछ फोर्स लगा के इसको मैं इस पोजीशन पे लेकर आती हूँ, यानी कि ये कोई हाइट अटेन करता है, तो हमें पता है कि जब कोई बॉडी जो है के ऊपर हम कोई वर्क करते हैं, यानी कि कोई काम करते हैं और उसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हम ये जो हमारे पास ये एनर्जी जो होती है, यानी कि वो ताकत जो कि किसी ऑब्जेक्ट के पास हो उसकी पोजीशन की वजह से, वो हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब अगर इस पॉइंट पे जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, यानी कि वो पोजीशन जिसके ऊपर वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है, ठीक है। अब अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है इस बॉब की, यानी कि इस बॉल की जो एक्सट्रीम पोजीशन है वो हमारे पास ये है। फिर ये इस पॉइंट पे पहुंच के अगर हम इसे छोड़ दें तो ये दोबारा मेन पोजीशन पे आएगा इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया क्या है, यानी कि इनर्शिया वो एबिलिटी है किसी भी बॉडी की कि वो उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस लेकर आती है। अब ओरिजिनल स्टेट में जैसे ही वो वापस आएगा, यानी कि उसका उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी अपनी ओरिजिनल स्टेट को बरकरार रखे, ठीक है। तो जैसे ही वो वापस अपने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे हम क्या कहते हैं कि एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से जो एनर्जी उसने अटेन की है वो इसको दोबारा से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएगी, दोबारा से दूसरी साइड पे इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचाएगी, और फिर दोबारा से ये मेन पोजीशन पे आएगा और ये ऑसिलेशंस जो हैं ये चलती रहेंगी। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी और फिर पोटेंशियल एनर्जी और फिर काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से ये ऑसिलेशंस जो हैं ये चलती रहती हैं, और जब ये जितनी ये ऑसिलेशंस चलती रहती हैं उसके लिहाज से हमने एक डिस्प्ले बनाया होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये टाइम डिस्प्ले है, और वो इन ऑसिलेशंस के जरिए हमें ये जो टाइम है इसको हमें डिस्प्ले कराता है, जिसकी वजह से हम एक पेंडुलम क्लॉक जो है उसको डिजाइन कर लेते हैं। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जिस एनर्जी की वजह से ये पेंडुलम जो है ये अपनी ऑसिलेशंस जो है ये करता रहता है, वो हमारे पास कहलाती है, या तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास इलास्टिक
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने पी ई से डिनोट कर दिया है, या फिर हमारे पास हम इसे कह देते हैं सेकंड जो ऑप्शन हो सकती है वो हमारे पास क्या हो सकती है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पेंडुलम, एक जो सिंपल पेंडुलम का केस जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया, इसके अलावा हमारे पास एक और तरह का पेंडुलम भी होता है जिसे हम कहते हैं मैथ अटैच टू अ स्प्रिंग। अगर हम देखें तो हम, ये मेरे पास एक टेबल है और उसके साथ मैंने एक स्पोर्ट के जरिए एक स्प्रिंग अटैच किया स्टूडेंट्स, और स्प्रिंग के साथ मैंने एक मैस अटैच कर दिया, ये हमारे पास मैस है जिसे मैंने एम से डिनोट किया है। अब अगर मैं इस बॉडी को यहाँ से इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करके इसको एक्सटेंड करके एक लार्जर डिस्टेंस पे लेके जाती हूँ, यानी कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ मैं इसे लेके गई हूँ, तो ये क्या करेगा कि इस पॉइंट पे इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी की ये उस वक्त अटेन करती है जब हम इसको कोई पोजीशन देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से अब ये क्या होगा कि इनर्शिया की वजह से ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करेगी जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर एक इलास्टिसिटी है, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है कि यानी कि लचक है इस स्प्रिंग के अंदर, ठीक है। और जैसे हम इसे छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेशन जो है ये परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब यही चीज जो है यानी कि ये एनर्जी जिसकी वजह से ये ऑसिलेशन करता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और फिर एक और केस हम अगर देखें जिसमें, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि अब दूसरा वाला केस हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास क्या होती है, अगर हम देखें मेरे पास एक इस तरह से एक अगर पेंडुलम हो कि मैं इसके इसके यहाँ एक बॉब अटैच कर दूँ, ठीक है, और यहाँ यहाँ मेरे पास एक और बॉडी है, और फिर मैं इसको यहाँ एक रिजिड स्पोर्ट के जरिए हैंग कर देती हूँ। अब अगर मैं देखूँ तो मैं एक एक अगर बॉल को नीचे की तरफ फोर्स लगाती हूँ, यानी कि एक को नीचे की तरफ खींचती हूँ, तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कोई हाइट जो है वो, मतलब कि कोई हाइट जो है इसकी ऊपर, मतलब कि इसकी लेंथ यानी कि अगर हम देखें तो वो कम या ज्यादा हो रही होगी, ठीक है। यानी कि दोनों बॉब्स की अगर हम एक फिक्स पॉइंट से लेंथ मेजर करें तो वो कम या ज्यादा हो रही है, यानी कि जिसे हम हाइट भी कह सकते हैं। अब हाइट की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर अटेन होगी, यानी कि हम कहते हैं कि इसकी पोजीशन की वजह से या फिर इसकी हाइट की वजह से जो एनर्जी वो अटेन करेगा वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि वो एम जी एच होता है, यानी कि वो किन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि एक तो वेट पे, यानी कि जिसे हम कहते हैं एम जी है, और दूसरा हाइट है, यानी कि एच हाइट की वजह से, यानी कि जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि कोई बॉडी अटेन करी होती है उसकी हाइट की वजह से। तो ये इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो जो है वो अपनी ऑसिलेशंस जो है वो करता रहेगा, यानी कि ग्रेविटी जो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होगी कि इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी और इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी, तो इसकी वजह से ये जो ऑसिलेशंस हैं ये स्टूडेंट्स ये चलती रहेंगी, यानी कि ये नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट होगा। हमें पता है कि अर्थ जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ अटैच होगा और उसकी वजह से ये वाली बॉल जो है वो ऊपर की तरफ अटैच होगी, तो उसकी वजह से हमारी ये ऑसिलेशंस चलती रहेंगी जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम देखें तो यही जो ऑसिलेशंस हैं ये इस क्लॉक को बेसिकली रन कर रही होती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये पेंडुलम क्लॉक है, और ये हमारे लिए टाइम मेजरिंग डिवाइस है जो कि आज हमने स्टूडेंट डिस्कस की है।